वाओ बहुत टेस्टी है। मैं तो जा रही हूँ गोलगप्पे खाने, आप मेरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे जिसे हम पानी पूरी कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम ले रहे हैं हाफ कप मैदा, हाफ कप सूजी, 1/4 टीस्पून नमक और एक गिलास पानी। सबसे पहले मैदा लेंगे, सूजी लेंगे और नमक डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट हमने आटा गूंदा। इस तरह से आटा गूंदा ना तो हाथ पे चिपकेगा, इस तरह से आपने आटा गूंद के तैयार करना है। आपके हाथ पर चिपके ना, इस तरह से होना चाहिए। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। हमने एक गिलास पानी का लिया था लेकिन हमारा आधा लगा है। आप किचन टॉवल को गीला करें और इसके ऊपर रख दें आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम देखेंगे उठा के। अब इसे निकाल लेंगे। निकालने से पहले हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। ये हमने मसल लिया, हम इसे साइड पे करेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा फेंकेंगे और इसके हम दो पेड़े बना लेंगे। इस तरह पेड़े बना लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। इसको हमने पतला बेलना है। ये देखें इस तरह से पतला सा हमने बेल लेना। बस ये एहतियात रखना है कि पेड़ा जो हमने रोटी बेली है वो फटे ना। रोटी को हमने बेल लिया, अब कटर की मदद से हम गोलगप्पे बनाएंगे। ये देखें ये कटर की मदद से हमने बना लिए। अब ये जो ऊपर से ये जो बचा है इसका हम फिर से पेड़ा बना देंगे। अब एक एक को पकड़ के थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि वो थोड़े और पतले हो जाए और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया हाई फ्लेम पे, उसके बाद हमने इसे लो कर लिया और उसके बाद हम इसमें जो हमने भेल के रखे हैं गोलगप्पे वो फ्राई करेंगे। इस तरह एक एक करके उसको प्रेस करेंगे। ये देखें अब दूसरे को डालूंगी मैं।
साथ साथ उनकी साइड चेंज करते जाएंगे। इसे हमने वक्त तक प्रेस करना है जब तक ये फूल के ऊपर ना आ जाए चम्मच से। इस तरह ये देखें हल्का सा बस करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें इसे हमने हल्का हल्का सा प्रेस किया और ये ऊपर से फूल के ऊपर आ गया। अभी भी हम निकालते जाएंगे, ये तैयार हैं, इन्हें हम रखते जा रहे हैं। गोलगप्पे तैयार हैं, अब हम इनका पानी बनाएंगे। दो तरह का हम पानी बनाएंगे, एक हम पुदीने का बनाएंगे और एक हम इमली के पानी का बनाएंगे, और एक साथ हम चटनी बनाएंगे, मीठी चटनी। गोलगप्पों के लिए हम ग्रीन वाटर तैयार करेंगे। ग्रीन वाटर में हमने 4 का पानी लिया है, ठंडा पानी। पुदीने के पत्ते ले रहे हैं हम 24। 2 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है, एक हमने ग्रीन चिली ली है, सूंड ली है हमने 1/2 टीस्पून, काला नमक ले रहे हैं 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे जिसे हमने पैन में भून के इसे क्रश कर लिया, 2 लेमन लिए जिसका हमने जूस निकाल लिया, ब्लैक पेपर लेंगे हम 1/2 टीस्पून जिसे हमने रोस्ट करके पैन में क्रश कर लिया, सौंफ लेंगे हम 1/2 टीस्पून जिसे हमने पैन में रोस्ट करके इसे क्रश कर लिया। अब हम इसका पानी बनाएंगे। पानी बनाने से पहले हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, पुदीना और धनिया और हरी मिर्च को। ब्लेंडर लेंगे, उसमें धनिया डालेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे और एक छोटी स्मॉल हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया। ये जो पेस्ट हमने तैयार किया इसे हम पानी में डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। ब्लैक नमक डालेंगे, काला नमक जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद नमक डालेंगे, चम्मच लेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, सौंफ डालेंगे, सौंठ का पाउडर डालेंगे। सूंड के पाउडर को अदरक का पाउडर भी कहते हैं, आप अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं और चाहे तो सूंड भी ले सकते हैं। लेमन जूस डाल देंगे और इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन वाटर तैयार है। इमली का पानी बनाने के लिए हम जो चीज़ें ले रहे हैं, 3 कप हमने पानी लिया, 1 कप हमने इमली का पल्प लिया, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून हम टाटरी ले रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च ले रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर ले रहे हैं, 1 टीस्पून हम सौंफ ले रहे हैं और 1 टीस्पून हम जीरा ले रहे हैं। चारों चीज़ों को हमने रोस्ट करके क्रश कर लिया। सबसे पहले हम इमली के पल्प में काला नमक शामिल करेंगे। सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सौंफ शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और टाटरी शामिल करेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये ठंडे ठंडे पानी में शामिल कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा इमली का पानी भी तैयार है। अब हम चटनी बनाएंगे, मीठी चटनी। अब हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए हमने इमली का पल्प लिया 1 कप, 1/2 कप हमने गुड़ लिया जिसे हमने पानी में मेल्ट कर लिया, 1/2 टीस्पून हम सूंड ले रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम नमक ले रहे हैं, 1 टीस्पून हम जीरा क्रश किया हुआ ले रहे हैं और 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। सबसे पहले हम इमली का पल्प लेंगे, गुड़ लेंगे, नमक लेंगे, सूंड लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे और ज़ीरा लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट तक हमने इसे पकाने, जब ये गाढ़ी हो जाएगी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। 5 मिनट में हमने इमली को पकाया। ये देखिए हमारी इमली की चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे।
गोलगप्पे के साथ हम चने लेंगे, बॉयल चने लिए हमने 1 कप, 1 अदद हमने आलू लिया बॉयल, इसे इस तरह काट लिया, ये भी हम गोलगप्पों के साथ लेंगे। गोलगप्पे हमारे तैयार हैं, ये हमने गोलगप्पे बनाया आपके सामने, ग्रीन वाटर बनाया उसका, ग्रीन पानी तैयार किया, इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार की, ये आलू हैं बॉयल हुए, चने हैं बॉयल हुए और ये इमली का खट्टा पानी। अब हम इन्हें बना के दिखाएंगे। अब हम एक गोलगप्पे को लेंगे, उसको सेंटर से इस तरह करेंगे, थोड़े से चने डालेंगे और 2 आलू डालेंगे, डाल दिए और हम बना के रखते जाएंगे इसे। चने और आलू इसमें हमने डाल दिए, अब हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। अब मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। इसमें मीठी चटनी डाली, ग्रीन वाला पानी डाला हमने, ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इमली वाला पानी भी डालूंगी। ये तैयार है हमारे गोलगप्पा, अब मैं इसे खा के दिखाऊंगी। वाह, बहुत टेस्टी है। मैं तो जा रही हूँ गोलगप्पे खाने, आप मेरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।